नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी आज की ताजा खबरें। राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि और ठहराव के लिए डोर टू डोर संपर्क का आह्वान, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। साथ ही 2 जुलाई को होने वाली बाल सभा के लिए सरकार सख्त, सभी परिलाभों की दे जानकारी, अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्थगित की 11 परीक्षाएं। सरकार के EWS और MBC आरक्षण लागू करने के चलते लिया निर्णय। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन, उनको नहीं है दोबारा आवेदन की जरूरत। 6 जुलाई से था परीक्षा आयोजन का कार्यक्रम। रेलवे बोर्ड के बड़े खुलासे के बाद में रेलवे में चयन की परीक्षा आज फिर। मुख्य परीक्षा के दौरान नहीं खुल पाया था पेपर। RAS मुख्य परीक्षा 2018 पहली पारी में बिगड़ा प्रश्न पत्र, तो 231 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे परीक्षा देने। आज भी 2 पारियों में होगी परीक्षा, पहली पारी 9 बजे से स्टार्ट। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आज अंतिम दिन। देश के 237 शहरों के 615 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन। 81 विषयों के लिए आयोजित इस परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई को होगा जारी। राजस्थान विश्वविद्यालय की BA प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का हुआ परिणाम घोषित। परीक्षा नियंत्रक VK गुप्ता ने दी जानकारी। अनावश्यक बोर्ड कार्यालय पर विरोध करने वाले छात्रों पर सरकार सख्त, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की हिदायत। उत्पाती अभ्यर्थियों की प्रशासन करवाएगा वीडियोग्राफी, रिपोर्ट दर्ज होगी यदि अभ्यर्थी होंगे दोषी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में नियुक्ति का दौर जारी। कल भी हुई 16 पोस्टिंग। पंचायत सहायक संघ आज कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम देंगे ज्ञापन। वेतन वृद्धि नियमितीकरण होगी मांग। साथ ही समस्या समाधान और कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पंचायत सहायक, नहीं हुई सुनवाई। स्टेट ओपन स्कूल 10वीं का परिणाम जारी। त्रिभुवन और मुस्कान ने किया टॉप। पदोन्नत हुए प्रिंसिपलों की ज्वाइनिंग डेट में बढ़ोतरी, 27 जून तक कर सकेंगे कार्य ग्रहण। मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD की अनिवार्यता समाप्त, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में PRO के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से, हो रही थी तकनीकी मिस्टेक। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने निकाली 84,000 पदों पर भर्ती। 4 जुलाई होगी अंतिम तिथि। 30 जून तक जय नारायण यूनिवर्सिटी करेगी अपने सभी परिणाम जारी। PTT काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को इंतजार। स्कूल व्याख्याता परीक्षा होगी तय समय पर। सोशल मीडिया पर
चली खबरें नहीं बढ़ाई समय सीमा। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि हुई थी स्थगित, लेकिन व्याख्याता परीक्षा से हो गए थे छात्र भ्रमित।